जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश रविवार देर रात जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे, जिसमें चुनाव के बाद बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। वहीं 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। वहीं महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद राज्य संविधान की धारा 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया था, क्योंकि तब वहां आर्टिकल 370 नहीं हटा था। इसलिए राज्यपाल शासन की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिसे बाद में और आगे बढ़ाया गया। वहीं 370 हटने के बाद फिर 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसको लेकर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। अब नई सरकार के कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा के कामकाज से जुड़े प्रावधानों को बहाल करना जरूरी है, जो राष्ट्रपति शासन के रहते हुए नहीं हो सकता। इसके अलावा निर्वाचित सरकार को शपथ लेने की अनुमति देने के लिए भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा को रद्द करना जरूरी है।